जमाल साहब आप इस वाकये की इत्तला पुलिस को दीजिए। नहीं भाई, इस बात का जिक्र आप भी किसी से न करना, वरना ये समझा जाएगा कि मैंने इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा रचाया। अच्छा, खुदा हाफिज़। ये सीन जो अभी आपने देखा, ये 1986 की फिल्म सियासत का है। फिल्म स्टार कमाल ने ये फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी, और इस सीन में दिखाया गया है कि एक अपकमिंग नॉमिनी ऑफ द इलेक्शन उनकी गाड़ी पर फायरिंग होती है। हैरानकुन तौर पर कमाल साहब इस फिल्म में लोगों को मना करते हैं कि उन पर की गई फायरिंग की खबर आगे ना बढ़ाई जाए। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन जब मैं सहाफत में आया और इलेक्शंस कवर किए, ट्रांसमिशंस किए, कई मैराथन, तब अंदाज़ा हुआ कि ऐसा करना तो गलत होता है। इस इलेक्शन में भी देखा गया कि हमारे यहाँ एक सियासी लीडर पर फायरिंग की खबर फैलती है, उसके बाद वो टीवी पर आकर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ। जो ये अफवाह है कि मुझ पर मेरी गाड़ी पर हमला हुआ और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, ये अफवाह है। इस तरह के जो सियासी हरबे होते हैं वो इलेक्शंस को डूबियस बना देते हैं। कभी कभी लोग अपने ऊपर झूठ मूठ फायरिंग करवाते हैं, धमाके करवा देते हैं जलसे में, ताकि वो जरा ऊपर आ जाए। लेकिन इसको समझने के लिए मुझे फिल्म सियासत दोबारा देखनी पड़ी और मुझे उसमें आंसर भी मिल गया। मैंने आपके लिए एक ऐसी स्कीम सोची है कि इलाके के 100% लोगों की हमदर्दी आपको हासिल हो जाएगी। सियासत में इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं। आप पर गुजरते हुए अपने आदमियों के जरिए झूठ मूठ फायरिंग कराई, पुलिस और अखबार को कातलाना हमले की रिपोर्ट कराई, असेंबली की सीट आपकी जेब में। नहीं अफ साहब, मैं इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करने के हक में नहीं हूँ। इसी किस्म के ऊंचे हथकंडों ने तो हमारी सियासत को बदनाम किया है। सैयद कमाल ने फिल्म सियासत क्यों बनाई? 1985 के नॉन पार्टी इलेक्शन में सैयद कमाल ने हिस्सा लिया था और वो हार गए थे। इस शिकस्त को उन्होंने फिल्म सियासत में बहुत अच्छी तरह दिखाया कि किस तरह इलेक्शन में उनके साथ धांधली हुई। एक नॉन आदमी लोगों की खिदमत करने के लिए इलेक्शन में आता है और यहाँ उसको 62 लोगों की जानिब से तंग भी किया जाता है और हरा भी दिया जाता है। जमहूरियत के दरवाजे खुल रहे हैं तो हम क्यों ना इसमें दाखिल हो। कमाल साहब की फिल्म 1986 दिसंबर में रिलीज हुई। इस वक्त कराची शहर में कस्बा कॉलोनी वाले हंगामे चल रहे थे और फिल्म देखने कोई नहीं आया। इस तरह ये फिल्म पिट गई। मेरी जाती राय में सियासत पाकिस्तान टेलीविजन पर दिखाई जानी चाहिए ताकि लोगों को सियासत की हकीकत का अंदाजा हो।